मेरे मसीही भाई बहनों, प्रॉफेट विजेंद्र सिंह के ऊपर आरोप लग रहा है कि जो भी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री यानी राजपाल यादव बहुत सारे ऐसे लोगों को बुलाया और उसमें वहां पे मतलब परमेश्वर की महिमा नहीं कुछ चीज और देखने को मिला। मेरे मसीह भाइयों, मैंने भी मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे मसीह भाइयों, पूरी वीडियो को सुनिएगा, मैं आज कोई वीडियो क्लिप नहीं लगाऊंगा, लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर की आत्मा के अनुसार मैं बताऊंगा, जी हाँ, और परमेश्वर के वचन के अनुसार बताऊंगा। मेरे मसीह भाइयों, पूरी वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, हम आज आपसे भी रूह होकर बात कर रहे हैं। मैं जान रहा हूं कि आप मेरी बात को सुन रहे हैं। आज हम प्रॉफेट विजेंद्र सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बॉलीवुड के लोगों को अपने क्रिसमस वाले दिन को बुलाया, उससे पहले बुलाया और परमेश्वर की बातों को समझाया, उसके लिए प्रेयर हुआ, सारा चीज हुआ बॉलीवुड के बारे में लोगों के लिए, जितने भी राजपाल यादव हुआ, कृष्णा हुआ और जया पर्दा हो गई, जितने भी लोग आए जो पाप में डूबे हुए थे, कम से कम आए तो परमेश्वर के नजदीक आया और परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त किया। लेकिन कुछ लोग जो हैं प्रॉफेट विजेंद्र सिंह को बारे में उल्टा कर रहे हैं, गलत शब्द को यूज कर रहे हैं। मैंने प्रॉफेट विजेंद्र सिंह की वीडियो को पूरा क्लिप देखा, मैं वीडियो क्लिप नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि उनका वीडियो प्रॉपर्टी है, उनका क्लिप है वो, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ वीडियो क्लिप। लेकिन आज मैं ये बात बोल रहा हूँ कि प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जो हैं बॉलीवुड के लोगों को बुलाया, परमेश्वर के आशीष को उन्होंने दिया और परमेश्वर की आशीष को बॉलीवुड जया पर्दा, कृष्णा और बहुत सारे राजपाल यादव और राखी सावंत और बहुत ऐसे लोग आया, मुझे नाम भी नहीं पता, बहुत ऐसे लोग आए थे और ये नाम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बहुत ऐसे लोग आए और वहाँ पे परमेश्वर की आशीष को प्राप्त किए। लेकिन हम यहाँ पे ये बात बोल रहे हैं फिर भी प्रॉफेट विजेंद्र सिंह के ऊपर क्यों आरोप, क्यों धोमत लगाया जा रहा है। मेरे मसीह भाइयों, एक बात मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जो मेरी ओर से है उसे मना मत करो, क्योंकि वो परमेश्वर का काम कर रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य का फैलाने का काम कर रहा है। और प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जो मिनिस्ट्री जो पंजाब में चला रहा है, पंजाब एक ऐसा राज्य है पूरे भारत में, गोवा हो गया, मणिपुर हो गया, केरला हो गया, ये सब राज्य नहीं, पंजाब एक ऐसा राज्य है कि वहां पर परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की आशीष प्राप्त कर रहा है, चाहे वो अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के द्वारा हो, चाहे वो प्रॉफेट विजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री के द्वारा हो, चाहे वो किसी भी अन्य मिनिस्ट्री के द्वारा हो। पंजाब आज से कुछ समय पहले 2005-2006 के समय इस तरह से मसीहत नहीं था पंजाब के अंदर, लेकिन आज जो है लोग पंजाब के ऊपर, पंजाब में हर एक परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर की बातों को, यीशु मसीह की आशीष को प्राप्त करना चाह रहे हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर पंजाब में इस तरह से क्यों काम हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर वहां पे काम नहीं हो रहा, लेकिन पंजाब क्योंकि परमेश्वर का पैलौटा बेटा पंजाब, क्योंकि वहां पर बहुत तेजी से काम कर रहा है, बहुत ही आशीष तरह से काम कर रहा है। मणिपुर हो गया वहां नहीं काम किया, हरियाणा हो गया वहां नहीं काम किया, बिहार हो गया वहां नहीं काम किया, उत्तर प्रदेश हो गया वहां नहीं किया। मैं आपको एक बात, उंगली उठाना है तो उस मिनिस्ट्री के ऊपर उठाओ जो अपने भेड़ को छोड़कर चले गए। पता है कौन चलेगा छोड़कर? छत्तीसगढ़ में पॉल दिनाकरन का जीसस कॉल मिनिस्ट्री, पॉल दिनाकरन छत्तीसगढ़ गढ़ माना जाता था, गढ़ माना जाता था कि छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है परमेश्वर का। लेकिन आज छत्तीसगढ़ में जब सताव आया, जब परमेश्वर का वहां पे शैतान के द्वारा जो है वहां पे काम हुआ, जब परमेश्वर काम कर रहा था पॉल दिनाकरन के वजह से बहुत लोग आशीष प्राप्त किए, लेकिन मुसीबत आया तो परमेश्वर को लोग बहुत सारे छोड़ के चले गए। यहां तक के परमेश्वर का दास हम उंगली नहीं उठा, सॉरी मुझे माफ कीजिएगा अगर उंगली उठा रहे, इसलिए हम आपसे दिल से क्षमा मांग रहे हैं। लेकिन पंजाब पॉल दिनाकरन छत्तीसगढ़ जो था वो पॉल दिनाकरन का गढ़ था, गढ़ था, गढ़,
जैसे अमेठी गढ़ था गांधी, जैसे कि राहुल गांधी का घर है अमेठी, उसी तरीका से छत्तीसगढ़ जो था घर पॉल दिनकर का था। अब पंजाब दो एक ऐसा शख्स है जो पूरे पंजाब में परमेश्वर की आशीष करा काम कर रहा है, एक अंकुर मिनिस्ट्री और एक प्रॉफिट विजेंद्र। प्रॉफिट विजेंद्र को बहुत अच्छा काम किया कि कम से कम बॉलीवुड के लोग जाने, तो बॉलीवुड के लोग आशीष तो प्राप्त किया, परमेश्वर यीशु मसीह को जान ना पाया। आज बहुत ऐसे नफरत फैलाने का काम कर रहा है और वहां पे बॉलीवुड आता है, यीशु मसीह को सपोर्ट करता है, यीशु मसीह के परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करता है, परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर को समझता है, परमेश्वर को जानने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें गलत क्या है? आप ही बताइए मेरे मसीह, इसमें गलत क्या है? कोई गलत नहीं है। परमेश्वर वहां पर अपना काम किया, परमेश्वर वहां पर अपना आशीष का काम किया, लेकिन कुछ लोग जो हैं इस चीज को कह रहे हैं कि मतलब ये गलत है, ये इस तरह से नहीं करना चाहिए। अरे कम से कम आया तो यीशु मसीह। आज राजपाल यादव ने गवाही दिया कि हाँ मैं परमेश्वर की आशीष को प्राप्त किया। राजपाल यादव खुद दोबारा आके उसने गवाही दिया प्रॉफिट बिजेंद्र सिंह के चर्च पे आके। लेकिन कुछ लोग जो हैं प्रॉफिट बिजेंद्र सिंह के ऊपर आरोप दोहमत और ये सब लगा रहे हैं कि नहीं ये जो है गलत काम कर रहे हैं, ये जो है बॉलीवुड को बुला के ये गलत गलत चीज कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे गलत चीज नहीं हो रहा है, यहाँ पर परमेश्वर अपना काम कर रहा है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि परमेश्वर ने 2024 में बहुत ही अद्भुत काम करने जा रहा है। देखिएगा 25 दिसंबर को एंड में, 25 दिसंबर का एंड एक ऐसा एंड हुआ, एक ऐसा 2023 का परमेश्वर का एंड ऐसा एंड किया कि यहां तक राजा जो भारत का राजा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो अपने घर में क्रिसमस मनाया, वो व्यक्ति, वो पास्टर्स लोगों को बुलाया और बोला मेरे घर पे बनाओ, जहां पे उनका आवास है, जहां पे वो रहते हैं। और अपने प्रधानमंत्री अपने बयान में बोला कि मुझे ईसा मसीह से बहुत प्रेम है, मैं ईसा मसीह के पास को जानता हूँ, मैं जब भी फ्री होता हूँ तो मैं पास्टर लोगों के पास जाता हूँ, उनसे वार्तालाप करता हूँ, यीशु मसीह के जानने के, यीशु मसीह के बारे में जानने का और रुचि था रहता है। आखिर हमारा देश का राजा क्यों यीशु मसीह को जानने की कोशिश कर रहा है? आखिर उसमें कुछ ऐसी बात है तब तो, आखिर कुछ ऐसी बात है तब तो हमारा देश का राजा इस जानने को। लेकिन कुछ कट्टरवादी लोग जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, वो हमारे समाज में भी है नफरत फैलाने का, क्रिश्चियन समाज में भी है, हिंदू समाज में भी नफरत फैलाने का, सिख बौद्ध जैन सब में नफरत फैलाने। लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं होते, सब लोग दिल से खुदा को याद करते हैं, सब लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और जो भी हो। देखिएगा मैं यहाँ पे प्रधानमंत्री को सपोर्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि परमेश्वर वहां पे अपना काम किया, परमेश्वर राजा के दिलों को बदल दिया। उस समय मणिपुर में जो हुआ था, एक महिला के साथ प्रेट करवाया गया था, सोचिए उस राजा को दुख था जो हमारे देश भारत देश का राजा है, उसे दुख हुआ कि हाँ ये गलत हुआ। और इंड में परमेश्वर ने उस राजा को, यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन को बदला और कहा कि क्रिसमस हमारे घर में होगा, हम अपने यीशु मसीह को अपने घर में बुलाना चाहते हैं, ओपन द डोर। परमेश्वर ने कहा ओपन द डोर, और राजा जो था वो अपना दरवाजा खोला, और राजा हमारा जो कौन है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और उन्होंने अपना दरवाजा खोला और वहां पर यीशु मसीह जन्म का प्रचार हुआ, यीशु मसीह का। सोचिए सोचिए, थोड़ा कल्पना कीजिए कि परमेश्वर किस तरह से काम किया। सोचिए कल्पना कीजिए कि परमेश्वर कैसी आशीष आपको देने को तैयार है। सोचिए, इसीलिए मेरे मसीह भाइयों, मैंने कहा था पूरा एंड तक मेरा वीडियो को देखिएगा क्योंकि मैं आज बहुत अहम बात बताने जा रहा हूँ। मेरे मसीह भाइयों, यहाँ पे वीडियो क्लिप देख रहे हैं, ये आदम और हवा का फुल मूवी है, इस पर क्लिक कीजिए, आपको आदम और हवा का फुल मूवी देखने को मिलेगा। अभी ही क्लिक कीजिए और आदम और हवा का फुल मूवी देखिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको आशीष दे, आमीन।